और ये जगह है मूरे प्लेन्स, मतलब 30 किलोमीटर का एक सीधा सीधा स्ट्रेच है इस रोड का। आप अच्छी खासी बाइक भगा सकते हो यहाँ, बट बीच बीच में बम्स वगैरह आते रहते हैं तो उसका ध्यान रखेगा। मान के चलो ट्रैफिक ना के बराबर इस रोड पे, और व्यूज़ इतने बेहतरीन बेहतरीन है ना कि डेंजर भी है, क्योंकि जब ज़्यादा बेहतरीन व्यू आते हैं तो ध्यान भटकने का खतरा रहता ही रहता है। फिलहाल बस व्यू लो इस रोड का, आनंद उठाओ। और हम एक दो फोटोज क्लिक करवाते हैं और निकलते हैं फटाफट से मनाली की तरफ। ये है मूरे प्लेन्स भाई, बहुत ही फाइन रोड बना हुआ है यार। अब बहुत जल्दी यहाँ से कवर कर सकते हैं जो रास्ता है, 30-40 किलोमीटर सीधा स्ट्रेट है ये। अभी आई नो हवा की आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही होगी, क्योंकि यहाँ हवा बहुत तेज़ चल रही है यार, बहुत ही तेज़। अगर इतनी तेज़ हवा तंगलंगला पे होती ना तो हमारी लग गई होती, वाट लग गई थी सीरियसली, बहुत ज़्यादा ठंड थी वहाँ। यहाँ भी है ठंड, पर उस लेवल की नहीं है जिस लेवल की तंगलंगला पे थी। और बाइक हल्की सी तिरछी चलानी पड़ रही है मेरे को, इतनी तेज हवा है। पांग रह गया 18 किलोमीटर, अब सीधे पांग में एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, पानी वानी पियेंगे और निकल लेंगे। सामने मुझे रेनफॉल होता हुआ दिख रहा है, पता नहीं आप लोगों को दिख रहा होगा नहीं दिख रहा होगा। और हमें जाना वहीं से, अभी घाटा लूप्स वगैरह सब उधर की साइड पड़ेगा। अभी आई गैस हम लोगों को जरूरत पड़ने वाली है अपने अपने रेनकोट निकालने की। ओ जा रहा मनीष चिन्ना सा जो दिख रहा है, बिल्कुल चिन्ना सा, क्योंकि उस इस टाइम पे हमने वहाँ रोड पे और कोई नहीं है बाइक पे। मनाली 314 सरचू वन पे, सामने हो रही है बारिश बहुत जोर से भाई, देखो बारिश कितनी जोर से हो रही है सामने की तरफ को। और अभी उसी में घुसना है, मैं उसी में मरना है जाके। पांग रह गया 13 किलोमीटर भाई साहब, सामने हो रही है बहुत गजब की बारिश। आई थिंक हमें रेनकोट निकाल लेनी चाहिए, क्योंकि सामने ही जस्ट ये 5 मिनट दूर भी नहीं होगी ये जगह जहाँ इतनी भयंकर बारिश हो रही है। दुआ करो भाई लोग कि ये रेन ना हो, स्नोफॉल हो रहा हो, क्योंकि स्नोफॉल झेलना आसान है रेन के मुकाबले। अगर रेन हुई तो एज यू नो कांड पड़ जाएगी, वहाँ से सारा सामान बचाना पड़ेगा, हर जगह पानी भर जाएगा तो ठंड ज़्यादा लगेगी। वैसे तो रेन कोट्स हैं हमारे पास, मगर फिर भी यार रेन इज़ नॉट द राइट टाइम टू राइड ना, रोड भीग जाएंगे और भी ज़्यादा कम कवर कर पाएंगे हम रास्ता। बस पांग पहुँच जाएँ किसी शेड के नीचे बारिश में घुसने से पहले। भाई मूरे प्लेन्स तो हो गया ख़त्म, हम आ गए वापस पहाड़ों पे, पहाड़ी रास्ते पे, मतलब ये ऊंचा नीचा, और नीचे दिख रहा है हमें पांग। भाई बहुत दिल को सुकून मिला कि हमें उस बारिश में नहीं जाना है, अभी नीचे से निकल जाना शांति से। 5 किलोमीटर रह गया पांग यहाँ से, वैसे तो सामने ही दिख रहा है मेरे को। और पांग का अल्टीट्यूड पता कितना है, 15,000 फीट। पांग सरचू बोथ 15,000 फीट के अल्टीट्यूड में, और अभी मुझे ऐसा लग रहा है 1,000 फुट मुझे नीचे उतरना है उसके अल्टीट्यूड पे पहुंचने के लिए। तो मतलब अभी हम 15,500 या 16,000 फीट के आसपास पे हैं। फो, और ये भाई बजरी वाला जो ये है ना पहाड़, पूरे रोड पे ग्रेवल सी ग्रेवल से गांड फट रही है, सामने से आर्मी का ट्रक। मैं नेक्स्ट टाइम मैं तो बजरी में घुसेड़ दूंगा अगर ऐसा सीन हुआ, क्योंकि इधर जाने में ज्यादा डेंजर लग रहा है मुझे। यहाँ पे गाड़ी फिसलेगी ही फिसलेगी 100%, शर्त लगा के उस्ताद जी उधर कर लो थोड़ी सी। भाई सब ये नहीं करते, नीचे कूद जाओ मर जाओ ये नहीं करेंगे।
भाई साहब तुम्हारे पास इतना बड़ा ट्रक है, इतना बना बनाया बैलेंस है उसके, चार पहिए हैं बड़े बड़े जो कि बैलेंस बना के दे रहे हैं आपको। अबे हमारे पास क्या है बैलेंस के नाम पे, थोड़ा तो सोचो हमारे बारे में, कर लो यार थोड़ी सी साइड। बट ना चलो कोई बात नहीं, ये भी सही। हो गोप्रो स्टॉप रिकॉर्डिंग, गोप्रो स्टॉप रिकॉर्डिंग, गोप्रो स्टॉप रिकॉर्डिंग।